Hi there guys, welcome back to my channel Style with Maria. और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. और आज मैं आपके साथ, टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा, जी हाँ, होममेड टिंट मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ. और मुझे बताते वक्त बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है. बताते वक्त एक रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है और बिल्कुल मार्केट के मैंने टेंट यूज़ किए उस जैसा ही इसका रिजल्ट था. और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी हुई है कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग था. मीन्स कि मैंने इसको जब तक खुद रिमूव जी. तो टेंट बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, जो मैं एज अ बेस यूज करूंगी, वो है वैसलीन का मैं लोशन. मैं इसको लोशन से बनाऊंगी और मैं यूज कर रही हूँ वैसलीन का एलोवेरा स्मूथ लोशन, बिकॉज मैं यही यूज करती हूँ. तो दैट्स वाई समर सीजन के लिए मुझे ये जो समर सीजन के अकॉर्डिंग एलोवेरा का लोशन मुझे बेस्ट लगता है. सो दैट्स वाई मैं इसको यूज कर रही हूँ. आप कोई भी लोशन यूज कर सकते हैं जो आपको सूट करता हो. तो इसमें अब मैं सबसे पहले ऐड करूंगी लोशन. लोशन मैंने ऐड कर दिया है. अब इसमें मैं ऐड करूंगी सेकंड इंग्रेडिएंट, एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि समर सीजन के अकॉर्डिंग एलोवेरा जेल फॉर अवर स्किन बहुत ही बेस्ट होता है. प्लस जो है इससे हमारा जो टिंट है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा हो जाएगा. तो इसलिए मैं इसमें यूज कर रही हूँ एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल मैंने इसमें ऐड कर दिया है. ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल एंड 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें लोशन का ऐड किया है. अब इसमें आएगा मेन इंग्रेडिएंट जिससे हमारा टिंट रेडी होगा, और वो है फूड कलर. और मैं यहाँ पर रेड फूड कलर यूज कर रही हूँ और इसको हम बहुत कम क्वांटिटी में डालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें लगेगा ज़्यादा ऐड करना होगा तो हम इसमें बाद में और ऐड कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट मैं कम क्वांटिटी में ही ऐड करूँगी. जितना हमें रिक्वायर होगा हम उतना ही यूज करेंगे. जी तो अब इसमें हम ऐड करते हैं ये बिल्कुल. तो थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये देखें. अगर आपने लाइट बनाना है तो आप इसमें कम डालो. अगर मुझे ज़्यादा की नीड होगी तो मैं देख लूँगी बाद में, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसमें जो है वो बहुत कम डाला है. उसको मैं मिक्स करके देखती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा होता है. इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. देख लिया होगा आपने इसको कि हम
हमने इसको कैसे बनाया है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बनाया हमने इसको, और बिल्कुल वो ऑयली आपको फील नहीं होगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ उसका टेक्सचर कैसा है, ये देखिए। ये देखिए कितना जबरदस्त रेडी हुआ है, यू कैन सी बिल्कुल मार्केट जैसा इसका रिजल्ट है। और लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत है क्योंकि इसमें हमने एलोवेरा जेल यूज किया, जिससे हमारी स्किन में एक स्मूथनेस आएगी, स्मूथ टेक्सचर मिलेगा, प्लस इससे जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा एलोवेरा जेल से। और लोशन से हमारे फेस पे एक बहुत ग्लोइंग इफेक्ट आएगा, और जिसको हमने एज अ फेस यूज किया है। और अब मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। लिपस्टिक मैंने अपनी रिमूव कर दी है क्योंकि इसमें मैंने टिंट को अप्लाई करना था। सो अच्छा, अभी जो है मैं ऑयली स्किन वालों के लिए भी एक टिप दूंगी, जिनकी बहुत ऑयली स्किन है वो क्या करेंगे इसके लिए। पहले हम यहाँ से जो है वो अप्लाई करते हैं। और हम यहाँ अप्लाई करूंगी, मुझे यहाँ कम लग रहा है। बहुत ही नेचुरल इसका लुक आता है, और नो आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे कोई भी किसी भी तरह का ऑयल फील नहीं हो रहा। आपने जितना डार्क करना आप डार्क कर सकते हो। मैं इसको जो है, और वो बिल्कुल लिक्विड ही नहीं है, कि वो होता है ना बिल्कुल एक वॉटरी सा नहीं है, मतलब आराम से आपके फेस पर लग जाएगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो लिक्विड आपने लगाया हो, लिक्विडी सा, और आपके फेस पर जो है वो ऐसे बह रहा हो। ये आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो कितना नेचुरल लुक आ रहा है इसका। अच्छे से इसको आप ब्लेंड कर लो। सॉरी, मैं इसको इसमें देख रही हूँ कैमरा में, आई डोंट नो कि प्रॉपरली लगा है या नहीं लगा, बट थोड़ा सा और यहाँ में। अच्छे से इसको हमने ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि मैंने लगाया है, और बिल्कुल नेचुरल लुक वाला। मैं थोड़ा सा नोज पे लगाऊंगी, थोड़ा सा यहाँ। गाइस, अगर सही से ठीक ब्लेंड ना हुआ तो प्लीज उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कैमरा में देख रही हूँ, नॉट मिरर।
अच्छा यस। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी ऑयली स्किन वालों के लिए, अगर आपको लगता है कि आपकी टू मच ऑयली, वैसे तो ये बिल्कुल ऑयली नहीं है, आपको कुछ भी इसको लगाने के बाद आप देख सकते हो मेरी स्किन पे भी कोई वो फील नहीं हो रहा, ऑयल नहीं फील हो रहा, लेकिन फिर भी अगर मैं उनके लिए टिप दूंगी, अगर आपको लगता है कि आपका टेंट ज्यादा अप्लाई हो गया है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लगा, या अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो आपने क्या करना है कि मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, जो कि आई डोंट नो इससे पहले आपको किसी ने ये टिप बताया ये नहीं बताया, बट ये मेरा पर्सनली मैंने इसको यूज किया है और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टेलकम पाउडर, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन टू मच ऑयली है, तो आप थोड़ा सा टेलकम पाउडर लें और उसको अपने फेस पर अप्लाई कर लें, चीक्स पर जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको बहुत ऑयल फील हो रहा है और आपने वहाँ टिंट अप्लाई किया हुआ, ठीक है, आप वो लगा लो, आपकी स्किन बहुत ही बिल्कुल मैट लुक आएगा, बहुत ही एक वो ऑयल फील नहीं होगा। और अगर आपके सेकंड टिप ये है कि अगर आपको लगता है कि मैंने टिंट बहुत अप्लाई कर दिया है, तो उसको थोड़ा लाइट करने के लिए भी आप टेलकम पाउडर यूज कर सकते हो। तो मैं अभी आपको जो है वो जो टेलकम पाउडर है वो मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये मैंने टेलकम पाउडर ले लिया है, अब मैं इसको ये देखिए मैंने टेलकम पाउडर लिया और मैं इसको बस अब जहाँ अपनी चीक्स पर यहाँ लगा दूंगी। इससे ये होगा कि एक तो जो है बिल्कुल मैट लुक आएगा, बिल्कुल वो ऑयल मेस नहीं फील होगा, और हम सेकंड अगर आपका टेंट थोड़ा सा डार्क हो गया, आपको लगता है कि मैंने इसको लाइट करना है, तो भी आप लगा सकते हो। सो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लगा लिया है, और इसको लगाने के बाद जो है वो आपकी अगर ऑयली स्किन वालों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे, और अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है देन भी जो है ये टिप जो है वो ओवरऑल अगर आपसे टिंट ज्यादा अप्लाई हो गया देन भी आप यूज कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिंट जो है वो पसंद आया होगा, कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, मेरी न्यू आने वाली वीडियो से आप अपडेट होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।